हेलो असला फ्रेंड्स वेलकम टू द किचन का जायका तो आज हम बनाने जा रहे हैं शाहरुख खान का फेवरेट मटन बिरयानी यानी कि हैदराबादी मटन बिरयानी आज हम बनाने जा रहे हैं वो भी कुकर में बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी हमारी ये बिरयानी बन के रेडी हो जाती है तो मैंने यहाँ पे एक किलो भर का मटन ले लिया है अच्छे से इसको साफ़ करके मैंने वॉश करके रख लिया है एक वेजल में क्योंकि हम इसको जा रहे हैं मैरिनेट करने तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की ये रेसिपी तो ये जो रेसिपी है वो हम बनाने जा रहे हैं कुकर में तो एक कुकर आप ले लीजिएगा तो यहाँ हम पहले मैरिनेशन करेंगे एक छोटा चम्मच हम डालेंगे इसमें हल्दी नेक्स्ट हम डालेंगे दो से ढाई चम्मच हम डालेंगे इसमें धनिया का पाउडर तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं ढाई चम्मच धनिया का पाउडर दो चम्मच हम ऐड करेंगे इसमें नमक नमक टेस्ट के हिसाब से डालें नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे एक चम्मच भर का लाल मिर्च पाउडर इस तरह से हम एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें हमारा बिरयानी मसाला इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो डेढ़ चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बिरयानी मसाला नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें दो चम्मच भर का अदरक लहसन का पेस्ट और नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें 200 ग्राम भर का दही तो इस तरह से हमने दही को अच्छे से बीट करके रख लिया है तो 200 ग्राम भर का मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें एक लेमन जूस यानी कि नींबू का रस इसमें हम निचोड़ के इस तरह से डाल देंगे इससे बहुत ही अच्छा जूसी हमारा टेक्सचर होता है हमारे मटन का अब सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्सअप कर देंगे हाथ से और इसको हम मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे एक से दो घंटे के लिए ताकि जितना भी मसाला हमने ऐड किया है वो मटन में अच्छे से लग जाए और बहुत ही टेंडर और बहुत ही टेस्टी हमारा ये मटन बिरयानी बन के रेडी हो जाए तो इस तरह से हम इसको मैरिनेट करेंगे और इसको रख देंगे हम फ्रिज में मैरिनेट करने के बाद तो अच्छे से हमने यहाँ पे मिक्सअप कर दिया है आप देख सकते हैं अब इसको हम ढक के छोड़ देंगे दो घंटे के लिए चलिए दो घंटे हो चुके हैं हमारा जो चिकन है वो मैरिनेट हो गया है और यहाँ पे हमने रख लिया है एक बगोना जिसमें हमने पानी डाल के रख लिया है पानी हम इतना क्वांटिटी ले रहे हैं कि जितना भी आप चावल ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर एक ग्लास आप चावल ले रहे हैं तो डेढ़ गिलास आप पानी ले लें और एक्स्ट्रा दो गिलास पानी एक्स्ट्रा ले लें तो दो तेज पत्ता डालेंगे एक जावित्री का फूल हम डालेंगे तीन हम डालेंगे इसमें इलायची अगर आपके पास मटन मैरिनेट करने का टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं आप जैसे मसाले मिलाकर चढ़ा सकते हैं नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें चार से पांच लौंग यानी कि सारे गरम मसाले हम डाल रहे हैं दो दालचीनी हम डाल देंगे दो हम डालेंगे इसमें स्टार अनीस यानि कि फूल जो हमारा होता है बिरयानी का वो हम डाल देंगे दो चम्मच भर का हम डालेंगे नमक नमक टेस्ट के हिसाब से डालें नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें एक चम्मच भर का हम इसमें डालेंगे हमारा कुकिंग ऑयल आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं एक नींबू का रस हम इसमें डालेंगे इस तरह से जितना भी नींबू का रस है वो हमने डाल दिया है और छिलका भी हमने डाल दिया है एक चम्मच भर का हम शाजीरा डालेंगे पानी उबलने के बाद जो नींबू का छिलका है वो हम निकाल लेंगे यानी कि अलग कर लेंगे और इस पे हम भीगा हुआ चावल डाल रहे हैं चावल को हमने आधा घंटा पहले ही भिगा के रख दिया था तो मैं यहाँ पे बासमती चावल डाल रही हूँ एक किलो मैंने चावल लिया है यानी कि इक्वल क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे चावल लिया है एक किलो हमारा गोश्त है और एक किलो हम चावल ले रहे हैं तो चावल भिगने के बाद हम इसमें तो पानी में हम ऐड कर लेंगे अपना पूरा चावल जितना भी हमने भिगाया हुआ है और इसको हम पकाएंगे 50 टू 60 परसेंट ज़्यादा हमको इसको कुक नहीं करना है क्योंकि हम इसको कुकर में डाल रहे हैं तो वो गोश्त के साथ जितना भी हमने चावल डाला है वो हमारा पक जाएगा तो इस तरह से मैंने 50 टू 60 परसेंट अच्छे से चावल को गला लिया है आप देख सकते हैं थोड़ा सा मुश्किल से ये टूट रहा है तो हमारा यहाँ पे चावल रेडी है अब इसको हम एक झरनी में निकाल लेंगे छान लेंगे जितना भी पानी है इसको अलग कर लेंगे और चावल को हम छान लेंगे मैंने यहाँ पे लिया है सात लीटर का कुकर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ मटन नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल एक कटोरी भर का हम ऑयल डालेंगे एक बड़ी कटोरी भर का इसमें तो इस तरह से हमने इसमें ऑयल डाल दिया है नेक्स्ट हम इसको अच्छे से मिक्सअप करके इसमें हम डालेंगे थोड़े से हरी मिर्च अगर आप थोड़ा सा चटपटा खाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ले लें थोड़े से स्लाइस किए हुए हम यहाँ पे डालेंगे टमाटर तो तीन से चार हम यहाँ पर टमाटर के स्लाइसेस डाल रहे हैं चार से पांच डल्ली हमने यहाँ पे ऑनियन फ्राई करके मटन में ऑलरेडी मिक्सअप कर दिया, एक मुट्ठी हम डालेंगे पुदीना की पत्तियाँ और एक मुट्ठी हम डालेंगे इसमें धनिया की पत्तियाँ। तो इस तरह से हम धनिया की पत्तियाँ भी ऐड कर देंगे अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्सअप कर लेना है फ्रेंड्स मैंने इसमें फ्राइड ऑनियंस मिक्स कर मिक्सअप कर दिया है तो दो चम्मच हम डालेंगे इसमें घी और अच्छे से इसको मिक्सअप कर देंगे ताकि जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्सअप हो जाए नेक्स्ट हम इसमें अब कर लेंगे लेयरिंग यानी कि जितना भी चावल हमने 50 टू 60 परसेंट पका के रख लिया था उसको हमने अलग करके एक झन्नी में रख लिया है तो वो चावल का हम कर लेंगे यहाँ पे लेयरिंग तो बारी बारी हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे बिरयानी मसाला हल्का हल्का हमको डालना है नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें फ़ूड कलर मैं यहाँ पे येलो कलर का ले रही हूँ आप चाहे तो रेड कलर का भी ले सकते हैं या फिर ज़ाफ़रान भी ले सकते हैं नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें थोड़े से पुदीना की पत्तियाँ इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे यानी कि डाल देंगे नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें फ्राइड ऑनियन्स मैंने जब फ्राई किया था ऑनियंस को तब मैंने थोड़ा सा मटन में डालने के लिए निकाल दिया था और थोड़ा सा लेयरिंग करने के लिए निकाल दिया था इस तरह से हम अपने सारे लेयर्स को दो से तीन लेयर्स हम यहाँ पर बिछा देंगे चावल का तो आप देख सकते हैं मैंने सारे लेयरिंग कर लिया है कुकर में अब यहाँ पर लगा देते हैं हम इसका ढक्कन और प्रेशर कुक कर लेंगे इसको दो हम रखेंगे इसको हाई पे यानी कि दो हम हाई फ्लेम पे सीटी इसका लगाएंगे और दो हम स्लो फ्लेम पे और बाद में पाँच मिनट इसको दम के लिए छोड़ेंगे उसके बाद जितना भी प्रेशर है हम निकाल देंगे तो इस तरह से पाँच मिनट के बाद हमने सारा प्रेशर निकाल दिया है चलिए ओपन करके देखते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो चावल है बहुत ही अच्छे से गल चुका है और बहुत ही खूबसूरत हमारे यहाँ पर मटन बिरयानी और बहुत ही टेस्टी हमारी मटन बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है जो कि शाहरुख खान का भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है वो जब भी हमारे हैदराबाद आते हैं तो बिरयानी ज़रूर टेस्ट करते हैं तो आप भी इस बिरयानी को बनाएं बहुत ही जल्दी हमारी ये मटन बिरयानी बन के रेडी हो जाती है अगर घर पे मेहमान आ रहे हैं आपके पास टाइम नहीं है तो आप जल्दी जल्दी इसमें आप बना सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको मेरी ये ईजी रेसिपी कैसी लगी और भी अमेजिंग रेसिपी के लिए और भी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी तो इस तरह से मैंने जितना भी बिरयानी है वो मैंने एक प्लेट में निकाल दिया है तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे गर्मा गर्म शाहरुख खान फेवरेट हैदराबादी मटन बिरयानी बनके रेडी हो चुकी है इसको आप अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स अपने मेहमानों को खिलाएं खाएं और खुश रहें और जल्दी से मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें